सभी जीवाधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिका जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिका जीवन कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कॉर्क कोशिकाओं को देखा एवं उनका चित्र दिया। यह चित्र साधारण सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखी गई कोशिकाओं पर आधारित था। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया। स्लाइडेन व श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ बिचोन 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने स्लाइडेन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। एक, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। दो, सभी जीवों की बुनियादी इकाई है कोशिकाओं। तीन, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक शाखा झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसको केंद्रक कहते हैं।